हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुखविंदर कौर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। अज का जो सा टॉपिक आ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो बाद इंडियन इकोनॉमी दिया विशेषतावान टॉपिक है साडा। और इस टॉपिक नू एक्सप्लेन करन दे लई इंडियन इकोनॉमी हुण तुसी इस तरह तो नहीं है कि तुसी थोड़े जे अखरों के विच ही दो चार लाइनस के विच दसोगे इंडियन इकोनॉमी किस तरह की है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के एक तरह के इंडियन इकोनॉमी के अगे बहुत सारे फीचर्स आ। इंडियन इकोनॉमी की रूपरेखा इको तरह की नहीं है, इसलिए अलग अलग हैडिंग्स के उसकी जी डिस्कशन की जाती है। कहा जाता कि इंडियन इकोनॉमी एक अंडरडेवलप इकोनॉमी है, यह भी मनिया जाता कि इंडियन इकोनॉमी एक मिक्सड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी प्लैंड इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जी ड्यूलिज्म पाया जाता, ड्यूलिस्टिक करैक्टरिस्टिक्स दोहरावाद पाया जाता, तो सैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन जी इंडियन इकोनॉमी की वो किस तरह की है। ये सारे हैडिंग्स के अंडर तुसी हो सब हैडिंग्स देंदे हो, उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंदे हो, तो थोड़ा जो कंसैप्ट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी तो स्वतंत्रता तो बाद भारतीय अर्थव्यवस्था दी विशेषतावान टॉपिक है जिहड़ा वो कंप्लीट हुंदा। तो सब तो पहला जिहड़ा इहदे विच असीं करांगे, इंडियन इकोनॉमी इज़ एन अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी नूं अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमी मनिया जाता क्योंकि थोड़े जे कंट्री लाइक इंग्लैंड, अमेरिका जां फिर जर्मनी, ये वो कंट्रीज़ आ जिथे परकैप्टा इनकम बहुत ज़्यादा आ, जिथे परकैप्टा इनकम जिन्हें की परकैप्टा इनकम श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। तो उन्हों की इन परकैप्टा इनकम बहुत ज़्यादा होने के करके असी उन्होंने कंट्रीज़ को असी डिवेलप कंट्रीज़ कह देंगे। तो ये कंट्रीज़ इंग्लैंड जर्मनी तो अमेरिका वर्गे कंट्रीज़ है, पर जिहड़े कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इंडिया, इन्हों की परकैप्टा इनकम घट है, इसलिए इन्हों अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है। तो अंडर डिवेलप इकोनॉमीज़ अंडर डिवेलपमेंट है जी, ये बहुत सारिया थ्योरीज़ भी है, स्पैशली दो थ्योरीज़ है, एक हैगा थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, एक हैगी थ्योरी ऑफ लो इनकम लैवल इक्विलिब्रियम। जी थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी थ्योरी है, ये प्रोफेसर नक्स की दी थ्योरी है। उन्होंने कहा कि एक सर्कल है, एक सर्कल चलता है, लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, एक पूरा सर्कल चलता है, और वह पूरा सर्कल चलण दे करके सर्कल नूं तोड़ना बहुत औखा होंदा, इसलिए जो सर्कल है वो एक विशियस सर्कल जिहड़ा वो होंदा। थ्योरी ऑफ लो इनकम लैवल इक्विलिब्रियम ये लेवनस्टाइन, प्रोफेसर हार्वे लेवनस्टाइन की दी हुई थ्योरी है, और ये उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास में आने वाली रुकावटों में घट आमदन पद्धर का संतुलन का प्रतिपादन जिहड़ा उन्होंने किया है, और उन्होंने ये कहा कि अलविक्स देश जो अंडर डिवेलप कंट्रीज़ होंगे उन्होंने पाई जाने वाली व्यवस्था का संतुलन स्थिर नहीं होंगे, स्टैटिक नहीं होंगे, तो इन्हां इकोनॉमीज़ के जो भी कोई चेंजेस आदि हैं वो प्रति व्यक्ति आमदन में वाधा होने की जो भी स्थिति बनती है, पर जिहड़ियां शक्तियां प्रतख जां अप्रतख रूप के इदां दियां पैदा हो जांदियां कि उन्हूं फिर उहदे विच कमी आनी शुरू हो जाती है। तो अंडर डिवेलप कंट्रीज़ जां अंडर डिवेलप इकोनॉमीज़ के आमदन घट करन वाले तत्त आमदन वधाउण वाले तत्तां नालों ज़्यादा शक्तिशाली हुंदे आ। तो इन थ्योरीज़ के बेस के उत्ते अंडर डिवेलप कंट्रीज़ आ जिहड़ियां उन्हां दा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इंडिया के ठीक उस तरह एक विशेष सर्कल पावर पाया जाता है पॉवर्टी का, उस तो अलावा जिहड़े स्टिमूलेंट्स जिन्हां नूं आपां कहिंदे जिहड़े इकोनॉमी नूं अगे लैके जांदे आ उन्हां दे नालों जिहड़े इकोनॉमी नूं पिछे लैके आते तत्त वो ज़्यादा जिहड़े वो एक्टिव आ ज़्यादा रोल प्ले कर जाते हैं। तो फीचर्स की है इंडियन इकोनॉमी में, जे असीं हुण अंडर डिवेलप इकोनॉमी तो चलो कह दिता, पर फिर भी होर कि फीचर्स आ जे थ्योरीज़ नूं ना भी देखिए आप थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल या थ्योरी ऑफ लो इनकम लैवल इक्विलिब्रियम, तो कितों तुसीं कह सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डिवेलप इकोनॉमी है। तो कुछ एक फीचर्स होंगे अंडर डिवेलप इकोनॉमी के, तो वो सारे फीचर्स लगभग इंडिया च पाए जाते हैं, इसलिए इसनों अंडर डिवेलप इकोनॉमी कहा जाता। जिमें स्टैगनेंट पर कैपिटल इनकम के जिमें कि आप पहले भी गल कर चुके हैं लास्ट लैक्चर के भी कि बहुत साल इंडिया की जी पर कैपिटल इनकम वो स्थिर रही है आज़ादी तो लगभग 50 सालों के बाद भी, मतलब पर कैपिटल इनकम के बहुत ज़्यादा वाधा नहीं होया। तो 50 साल पहला तो प्रति व्यक्ति आमदन के सिर्फ 1% वाधा होया, मतलब 1900 तो लैके 1950 तक लगभग सिर्फ 1% वाधा होया पर कैपिटल इनकम के, तो उस तो बाद भी ये वाधा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3% तक का वाधा रहा है, तो इस करके इसमें एक स्थिर अर्थव्यवस्था मनिया जाता। लो लैवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इन्नी कि घट है कि तुम देखो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम US डॉलर के 1600 है, जबकि USA की अपनी
55,980 लगभग 56,000 ते यूके दी लगभग 43,000 जापान दी लगभग 39,000 ते इहदे मुकाबले इंडिया दी लगभग 1600 US डॉलर्स दे विच इनकम प्रति व्यक्ति हैगी है। ते इत्थों पता लगदा इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमी है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग साडे लोकां दे विच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जिहड़ा वह भी उन्ना वधिया नहीं है जिस तरह कहा जाता कि 1999 दे विच जे देखिए तो सिर्फ प्रति व्यक्ति जिहड़ियां पर डे कैलोरीज सानू जरूरी है वह 2496 मिलदियां सी जबकि जिहड़ी रिक्वायरमेंट आ वह 3600 कैलोरीज की हैगी है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वैल्थ इंडिया जिमें कि आप लास्ट लैक्चर के एंड भी गल की सी इंडिया पुअर कंट्री नहीं आ ए, इंडिया कंट्री रिच आ बट गरीब लोग आ इत्थे क्योंकि इंडिया की जिहड़ी इनकम आ ज़्यादा इंडिया की इनकम का बड़ा हिस्सा थोड़े लोगों को आते बहुते लोगों को इनकम घट आ मतलब आमदन का एक वड्डा हिस्सा कुछ एक लोगों के कोल ही आ सब तो बधेरे जिहड़ी आमदन आ वो थोड़े लोगों के कोल थोड़े हत्थां दे विच ही हैगी आ ते जिहड़ी आमदन की ते धन की वंड आ ये असमान वंड हैगी है। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर भारत दे विच मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर आ ते एग्रीकल्चर दे उत्ते बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हैगी है। 2016-17 दे विच भी खेती का जिहड़ा योगदान राष्ट्रीय आमदन दे विच सी वो 15% तक 15% तो ज़्यादा दा सी ते खेती इसका अर्थ तो यह होया कि जिहड़ी 46% जनसंख्या साडी दा राष्ट्रीय आमदन विच योगदान सिर्फ 15% आ ते इहदा मतलब यह होया कि मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर इंडिया दे विच है बिना शक जिहड़ी साडी एग्रीकल्चर दे उत्ते डिपेंडेंस वो है पर उसका जिहड़ा फिर नैशनल इनकम दे विच हिस्सा आ वो घट आ। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रीलाइजेशन प्रॉपर इंडस्ट्रीलाइजेशन भी नहीं हुई साढ़े अजे उद्योगों का उन्ना विकास नहीं होया जिन्ना होना चाहिए सी आज़ादी तो बाद भी कई उद्योगी वस्तुआं जिवें कपड़ा चीनी दवाइया का उन्ना विकास नहीं होया ते लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ पूरी साख सहूलत नहीं आ ईवन यह भी मनिया जाता कि जी साख की जरूरत सिर्फ इंडस्ट्रियल सैक्टर नहीं है एग्रीकल्चर सैक्टर भी चाहिए होंगी है पर बैंकों की उन्नी ब्रांच एक्सपेंशन उन्नी जिनी जरूरी सी नहीं हुई ते बैंकिंग फैसिलिटीज़ की घाट होने के करके एग्रीकल्चरल ते इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट के कितने ना कि जिहड़ा उन्हां दी डिवेलपमेंट दे विच भी कितने ना कि इस वजह करके भी कितने ना कि कमी है। लैस डिवेलपमेंट ऑफ मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन दे विच नो डाउट वाधा होया पर यह जिहड़ा वाधा आ ये सफिशिएंट नहीं है। प्रेशर ऑफ पापूलेशन पापूलेशन दे विच लगातार वाधा हुंदा जा रहा और पापूलेशन दा प्रेशर जिहड़ा वो लगातार हैगा अनइंप्लॉयमेंट लगातार जिहड़ी आ वो वधदी जा रही है तो अनइंप्लॉयमेंट भी वधदी जा रही है अंडर इंप्लॉयमेंट भी वधदी जा रही है वाइट कॉलर जिहड़ियां जॉब्स आ वो भी नहीं प्रोड्यूस हो रही मतलब सारी तरह के अनइंप्लॉयड स्किल्ड तो जिहड़े नहीं स्किल्ड सारी तरह के अनइंप्लॉयड जिहड़े साडे को हैगे आ। लैक ऑफ कैपीटल कैपीटल फॉर्मेशन बहुत घट है कैपीटल की बहुत ज़्यादा कमी है जनेट्स ने कहा सगा कि पूंजी निर्माण के घट घट अनुपात के हो कारण राष्ट्रीय उत्पादन वाधे की दर घट होंगी है तो 1950-51 के सिर्फ कुल आमदन का 9% हिस्सा बचाया जाता है निवेश का पद्धर भी यही सी जिनी सेविंग होंगी सी उन्ना कड़े इन्वैसटमेंट जी की जाऊगी। अंडर डिवेलप्ड नैचुरल रिसोर्स फिर ये नहीं है कि इंडिया जिहड़ा आ उहदे विच किसी रिसोर्स की कमी है पर उन्हां कुदरती साधना की पूरी वरतों सही वरतों नहीं की गई देश दे विच सिर्फ 20% पानी साधनों का प्रयोग किया जाता तो शॉर्टेज ऑफ एवेलेबल एंड एफिशेंट एंटरप्रेन्योर्स योग तो निपुण उद्यमियों की कमी है पूरे भारत के उद्यमियों की इन्नी क ज़्यादा कमी है इतों के उद्यमी सट्टेबाजी द्वारा तुरंत लाभ लेना पसंद करते हैं वो खतरा लैके नवे नवे उद्योग करन की जिहड़ी स्थापना नवे नवे उद्योगों की स्थापना की रुचि नहीं लेंदे। इस तो अलावा जिहड़े आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन रीति रिवाज धार्मिक रस्मां जात पात ये अजे भी साढ़े चलते पे है लो ग्रेड ह्यूमन कैपिटल
ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਰੋਗ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੈਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਸਟ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਆ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਰੜਾਵੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਆ। ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਆ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਸੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 5-5 ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਆ ਪਾਈ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਪਲੈਨਸ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਧਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.7% ਤੱਕ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 6.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 50-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਆ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਆ ਇਹ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 33.2 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 50-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਸੀ ਸਿਰਫ 8.7% ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫੋਰਮਸ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੈ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖਾਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਾਦ ਰਸਾਇਣ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੀ 7.2% ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 40.8% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6.7% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਵਰੇਜ ਏਜ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਲੀਓ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਮੌਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
मॉडर्नाइजेशन भी जिहड़ी आ इकोनमी दी होई आ, एक्सपोर्ट दे विच भी वाधा होया, डिवर्सीफिकेशन भी आई है कि जिहड़ा हुण जिहड़ा एक्सपोर्ट आ ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का किया जाता, सॉफ्टवेयर का किया जाता, तो इंपोर्ट दे सब्सटीट्यूट भी असी प्रोड्यूस करने शुरू कर दते हैं। उस तो बाद डिवेलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे विच IITs वगैरह आ गई हैं इंडिया दे विच, काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन जिहड़ी आई है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिहड़ियां इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वो भी आई हैं, लैस साइकलिकल फ्लक्चुएशंस जिहड़ी एक साइकिल चलता हुंदा ना, कभी बूम कभी डिप्रैशन रिसैशन रिकवरी, वह साइकलिकल चेंजेस के भी कमी आ गई है। तो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू, क्योंकि प्लैनिंग ना करते हो ना, इसलिए जरूरत के अकॉर्डिंग तुम प्रोडक्शन करते हो। बैलेंसड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट होंगी है, पूरी तरह बैलेंस के डिवेलपमेंट जी की जाती है कि सारे सैक्टर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडस्ट्री सारे सैक्टर्स बैलेंस के रख के जो डिवेलप करने की कोशिश की जाती है। उस तो बाद नैचुरल रिसोर्स का सही यूज़ है जोड़ा वो किया जाता होना शुरू हो गया। तो इस तरह हूँ तो यह है कि इस तरह भी सोचा जाता कि नैचुरल रिसोर्स जोड़े आज यूज़ कर ले जान, पर कमिंग जनरेशन लिए भी वो बचा के रखे जा। उस तो बाद इंडियन इकोनमी ड्यूलिस्टिक नेचर की भी किया जाता, क्योंकि ये दोहरापन पाया जाता, दोहरापन कई तरह का हो सकता, जिमें क्यों इकोनॉमिक ड्यूलिज्म हों, एक साइड पर हाईली जोड़े रिच पीपल आ, एक साइड पर बहुत पुअर लोग है, एक साइड पर वो लोग होंगे जिन्हों की बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हों, इंप्रूवड हों, एक साइड के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो हों। टेक्नोलॉजी के भी ड्यूलिज्म पाया जाता, एक साइड पर बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम यूज़ कर रहे हो तो ही एकदम बैकवर्ड, एकदम पुरानी टैक्नीक्स की वरतों भी होंगी पी है। सोशियोलॉजिकल ड्यूलिज्म भी है, सोसायटी के समाज के भी एक साइड पर हाईली मॉडर्न सैक्टर है, पढ़िया लिखिया उद्यमी आशावादी ऑप्टीमिस्टिक है, पर दूसरी साइड पर रूढ़ीवादी अंध विश्वासी अनपढ़ लोग भी है जोड़े अजे भी परंपरावान रीति रिवाजों जाति प्रथा अंध विश्वासों मानते हैं। तो उस तो बाद सैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है जी इंडियन इकोनमी की आज़ादी तो बाद, तीन सैक्टर्स जोड़े मेन हैगे है हुण, प्राइमरी सैकेंडरी तो टर्शरी। प्राइमरी सैक्टर के पशु पालन, एग्रीकल्चर, जंगल फॉरैसट्री, खनिज आदि क्रियावान शामिल होंदिया। तो सैकेंडरी सैक्टर के उद्योग निर्माण खेत्र, ऊर्जा निर्यात आदि क्रियावान होंदिया। तो टर्शरी सैक्टर के बैंकिंग, बीमा, दूर संचार, टैक्नोल सूचना टैक्नोलॉजी उहदी भंडारकरण ते व्यापार आदि नूं शामिल किया जाता। तो यह आ सैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की। तो इसी इंडियन इकोनमी के फीचर्स सिंस इंडिपेंडेंस, मीनस एक हैडिंग के अंडर नहीं, अलग अलग हैडिंग्स के अंडर फिर सब हैडिंग्स के द्वारा इंडिया का जिहड़ा फीचर्स आ जिहड़े इंडिपेंडेंस तो बाद रहे उन्होंने एक्सप्लेन किया गया। तो यह कंसैप्ट इत्थे कंप्लीट हुंदा, नैक्सट आपां अगले लैक्चर दे विच करांगे। थैंक यू सो मच।